हेलो दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग। मैं आशीष कुमार, फाउंडर ऑफ द एजुकेशन, हम आपके सामने फिर से एक नए वीडियो के साथ आए हैं। और अभी हम लोग मेनली बात करने वाले हैं सामाजिक विज्ञान के वीडियोज़ के ऊपर। बहुत सारे बच्चों का कहना ये हुआ है कि सर, साइंस की तैयारी तो हमने कहीं ना कहीं कर ली है, मैथमेटिक्स की भी तैयारी हो रही है, सामाजिक विज्ञान की तैयारी नहीं हो पाई है। तो हमने एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो हालांकि लेकर आया, बहुत लंबा वीडियो भी नहीं बनाने वाले, एक छोटा सा वीडियो लेकर आए हैं सामाजिक विज्ञान के ऊपर में। तो हम डायरेक्ट टॉपिक पर आते हैं। हमें सामाजिक विज्ञान में जो पढ़ना है, मुख्य रूप से अगर बोर्ड को ध्यान में रखते हुए पढ़ाई करें तो 5 विषय पढ़ना है। पहला है नागरिक शास्त्र, पहला नागरिक शास्त्र, दूसरा अर्थव्यवस्था, तीसरा इतिहास, चौथा भूगोल और पांचवा आपदा प्रबंधन। हालांकि आपदा प्रबंधन को हमने अलग कर दिया है, लेकिन बोर्ड की जो परीक्षाएं होती हैं वो भूगोल आपदा प्रबंधन को एक साथ लेकर के चलती हैं। तो इन्हीं 5 विषय के बारे में हमें सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत पढ़ना है। पहला जो आपका आता है नागरिक शास्त्र, इस नागरिक शास्त्र के अंतर्गत हम लोग रहन सहन, आसपास के सामाजिक लोगों के बारे में, कैसे लोग रहते हैं, उन रहने के लिए क्या क्या नियम कानून है, सड़क पर चले तो कैसे चले, तो इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग जिस विषय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं उस विषय को कहा जाता है नागरिक शास्त्र। सारे के सारे कानून व्यवस्था लगभग इसके अंतर्गत पढ़े जाते हैं। अगला आता है अर्थव्यवस्था। अर्थव्यवस्था में हम लोग आर्थिक क्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं, हम कितना कमाते हैं, कितना खर्च करते हैं, खर्च हम कर रहे हैं तो उस दुकानदार को कितना रुपया मिला, उस दुकानदार से सरकार को क्या लाभ है, हम कमा रहे हैं इससे सरकार को क्या लाभ है, हमारी सरकार चलती कैसे है, हमारे देश अगर गरीबी में है तो क्यों है, अमीर कैसे बनेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में जिस विषय के अंतर्गत पढ़ते हैं उस विषय को कहा जाता है अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र। अगला आता है इतिहास, बना है दो शब्दों से मिलकर, इति जो रहस्य, इति का मतलब होता है बीती, जो बीत गया, और रहस्य का मतलब होता है कहानियाँ, बीते हुए कहानी, बीते हुए लोगों के बारे में जो हम पढ़ते हैं ना, अध्ययन करते हैं ना, जिस विषय के अंतर्गत हम लोग बीते हुए लोगों के बारे में पढ़ते हैं उसको इतिहास कहा जाता है। और वह ऐसा विषय जिसके अंतर्गत हम लोग अपने भूमि के बारे में, धरती से रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, अर्थ रिलेटेड चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको हम लोग भूगोल कहते हैं। अगला आता है आपदा प्रबंधन। आकस्मिक अगर कोई घटना घट जाती है, मान कर चलते हैं अभी भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, तो इनसे बचाव भी बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इनसे बचाव की जानकारियाँ हमें जहाँ से प्राप्त होती है या जिस विषय के अंतर्गत हम लोग इनसे बचने के सुरक्षाओं के बारे में पढ़ते हैं, कैसे हम सुरक्षा खुद को करेंगे, अपने समाज की सुरक्षा कैसे करेंगे, तो जिसके अंतर्गत इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं उसको कहा जाता है आपदा प्रबंधन। तो हम 5 चीज़ें समझ गए। पहला नागरिक शास्त्र, कि नागरिक हमारे कैसे रहते हैं, क्यों भेदभाव उत्पन्न होती है आपस में, क्यों एक दूसरे से झगड़ा होता है, क्यों सामाजिक क्लेश होता है, इन सब चीज़ों के बारे में नागरिक शास्त्र में पढ़ेंगे। अब रहता तो है, तो रहने के लिए पैसे चाहिए, तो पैसे जो चाहिए तो पैसों का जो तालमेल बैठाता है ना वो पढ़ेंगे अर्थव्यवस्था में। अब पैसों का तालमेल तो बैठा, अब आज से 100, 200 साल, 500 साल, 1000 साल पहले के लोग कैसे रहते थे और आज कैसे रह रहे हैं, तो उन लोगों से अपनी तुलना करना होगा। वो अगर अच्छे थे तो हम अच्छे क्यों नहीं हैं आज, और वो अगर बुरे थे तो क्या आज हम अच्छे हैं। अगर अच्छे हैं तो अच्छी बात है, अगर उनसे हम खराब हैं तो हमें बेहतर बनने की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हम पुराने शासन व्यवस्थाओं के बारे में, पुराने लोगों के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में कह सकते हैं, उन सब लोगों के बारे में जिसके अंतर्गत पढ़ेंगे वो इतिहास के अंतर्गत होता है, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे। अब ये चीज़ें पढ़ लिए, हमारा घर कहाँ है, कितने डिग्री पर झुकी हुई है हमारी अर्थ, दिन रात कैसे होते हैं, कितनी नदियाँ हैं भारत में, हम कहाँ पर स्थित हैं, हमारे आसपास के कौन कौन से देश हैं, हमारे देश में कितने राज्य हैं, वो राज्य कहाँ पर हैं, कहाँ से कौन सी राज्य की सीमा रेखा शुरू होती है, कौन से राज्य की ख़त्म होती है, दूसरे राज्य में जाएंगे तो क्या क्या चीज़ें करनी पड़ेगी, संसाधन क्या हैं, कौन कौन से संसाधन का हम किस तरह से उपयोग करते हैं, तो ये सब चीज़ें जो हम पढ़ते हैं वो आता है भूगोल में। और अगला है आपदा प्रबंधन, जो हमने आपको बता दिया आकस्मिक हुए किसी भी घटनाओं के बारे में आपदा प्रबंधन के अंतर्गत पढ़ा जाता है। अब आते हैं टॉपिक पर। पहला आता है नागरिक शास्त्र, तो हमारा शुरू में ही करने वाले हैं नागरिक शास्त्र। नागरिक शास्त्र में सबसे पहले पहला चैप्टर पढ़ना है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। सबसे पहला टॉपिक आता है लोकतंत्र, उसके बाद उसमें साझेदारी होगी, सबसे पहला टॉपिक लोकतंत्र आता है, ठीक है। तो आप जानते होइएगा कि पहले के समय में ना जो सरकार था वो राजतंत्र के ऊपर चलता था। राजतंत्र का मतलब ये हुआ, अगर हम यहाँ के राजा हैं ना तो मेरा बेटा ही राजा बनेगा, चाहे वो देश को बढ़ाए या डुबाए, डजंट मैटर,
अगर हम राजा हैं तो हमारा बेटा ही राजा बनेगा, उसका बेटा ही राजा बनेगा। अगर हमारे मंत्री, हमारे यहाँ के सिपाही बहुत शिक्षित, बहुत योग्य हैं, फिर भी उन्हें राजा बनने का अधिकार नहीं दिया जाएगा, तो राजा का बेटा ही राजा बनेगा। ये नियम चलता था, और इस नियम को कहा जाता था राजतंत्र, कि राजा के अनुसार जो चलता है। अब बन गया है लोकतंत्र। लोकतंत्र कहने का ये मतलब होता है कि लोगों के द्वारा जो शासन व्यवस्था बनाई जाएगी। लोकतंत्र का परिभाषा ही यही कहता है कि जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा बनाए गए शासन व्यवस्था, या चुने गए सरकार के द्वारा जो शासन व्यवस्था बनाई जाती है, उस व्यवस्था को लोकतंत्र कहते हैं। क्या कहते हैं? लोकतंत्र। अब अगला टॉपिक आता है, पहला था कि लोकतंत्र है क्या। तो हम लोगों ने देखा जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा चुने गए सरकार एवं उनके द्वारा बनाई गई व्यवस्थाओं को लोकतंत्र कहा जाता है। अब कह रहा है कि लोकतंत्र की हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या जरूरत है लोकतंत्र की। तो लोकतंत्र की इसलिए जरूरत पड़ी कि हमने अभी कहा ना कि राजतंत्र की सरकार थी, राजा का बेटा राजा बनेगा, चाहे वो पढ़ा हो चाहे नालायक हो, कोई दिक्कत नहीं, वो राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, उसका पोता ही राजा बनेगा। ये समस्याएं होती थी। अब कभी कभी अच्छा राजा पकड़ा गया तो देश बढ़िया चला, अगर अच्छा राजा नहीं मिला तो देश डूब गया। उसके जिम्मेदार तो हालांकि राजा के बेटा ही या राजा ही होते थे, लेकिन अब जिम्मेदारी लेने देने से तो कुछ होने वाला है नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। तो इन चीज़ों में सुधार लाने के लिए ना, अपना वर्चस्व को कम करने के लिए, कोई आदमी आए अपना आधिपत्य ना जमाए, इसके लिए ना नई शासन व्यवस्था बनाई गई, जिसका नाम दिया गया लोकतंत्र, लोगों के द्वारा शासन व्यवस्था। और इसीलिए इसकी आवश्यकता पड़े कि किसी का अपना अधिकार। अब मानकर चलो आज हमारे नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, माननीय नरेंद्र मोदी, अब वो कहेंगे कि अब इलेक्शन ख़त्म कर दो, हम राजा बन गए भारत के, संभव है कल जनता हटा देगी? बिल्कुल संभव नहीं है। तो ये चीज़ें होती हैं कि कोई मनमाना न कर सके, इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है, कोई मनमाना न कर सके। जनता अपने द्वारा ही अपने लिए सरकार चुनेगी, ये नहीं कि हम सरकार आपको बना दिए, आप जीत गए, अब जीतने के बाद आप कहेगा अब वोट वाला सिस्टम बंद कर दो, हो गया बहुत वोट हो गया, ठीक है हम जीत गए ना, हो गया। ये संभव ही नहीं है। हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि अगर कोई प्रधानमंत्री के इलेक्शन में खड़ा होता है तो उसे 5 साल ही, ये रूल है, 5 साल ही रहना होगा, फिर दोबारा जीतिए, फिर इलेक्शन होगा। ये नहीं कि अब जीत गए तो हो गया ना, अगली बार क्यों हम खड़े हों, हम ही तो हैं प्रधानमंत्री, इस बार रह जाते हैं, अब इस सिस्टम में बंद कर देते हैं। तो ये सब चीज़ें आप नहीं कर सकते हैं, इसीलिए लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। कोई मनमानी न करे, लोग अपने स्वेच्छा से अपने लिए राजा चुने, अपने लिए सरकार चुने, अपनी शासन व्यवस्था अपने लिए बनवाएं और अपनी शासन व्यवस्था को खुद ही बनवाएं, इसलिए हमें लोकतंत्र की आवश्यकता पड़ती है। अगला कहता है लोकतंत्र में सत्ता के साझेदारी सबसे पहले। तो दोस्तों हमने देखा कि लोकतंत्र की आवश्यकता क्यों पड़ी। अब अगला सवाल आता है कि सत्ता में साझेदारी के कौन कौन से रूप है। सबसे पहले हम जानेंगे कि सत्ता में साझेदारी क्या होती है। तो साझेदारी का मतलब होता है हिस्सा लेना, भाग लेना, कुर्सी प्राप्त करना। सत्ता का मतलब ही होता है कुर्सी लेना, अधिकार लेना, हिस्सा लेना, ठीक है। इसमें हिस्सा लेने के लिए कौन कौन से काम करने पड़ते हैं, कैसे कैसे हम इसमें हिस्सा लेंगे, इन सब चीज़ों के बारे में खैर हम आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। अभी हम पढ़ने वाले हैं कि सत्ता में साझेदारी के रूप, कि मानकर चलो हमें अगर सत्ता में साझेदारी मिल गई तो क्या क्या काम करने होंगे, किस किस लेवल पर सत्ता में लोगों को साझेदारी प्राप्त होती है, साझेदारी मिलती है। तो हम देखते हैं यहाँ सबसे पहला पॉइंट आता है सरकार के विभिन्न अंग, मतलब जो सरकार होते हैं ना उसके अलग अलग अंग होते हैं। पहला जो है वह है विधायिका, दूसरा न्यायपालिका और तीसरा कार्यपालिका। कुछ कार्य विधायिका के अंतर्गत होते हैं, कुछ न्यायपालिका के अंतर्गत होते हैं, कुछ कार्यपालिका, ये तीनों ना हाई लेवल जो होता है ना, मेन वाला लेवल, उस लेवल पर काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट आता है विभिन्न स्तरों पर सत्ता का विभाजन, अलग अलग भागों में ना सत्ता को बांट देता है। मान लो चलो हमें कुर्सी मिल गया ना, तो हम ये नहीं चाहेंगे कि अब यहाँ से हम दिल्ली भी काम करें, बम्बई भी काम करें, वो बिहार में भी काम करें, यूपी में हो ही नहीं पाएगा। तो वहाँ पर क्या होता है ना कि अलग अलग स्तरों पर सत्ता का विभाजन कर दिया जाता है। तो मेनली तीन रूप से विभाजन किया जाता है। पहला को कहते हैं केंद्र सरकार, दूसरा को कहते हैं राज्य सरकार और तीसरा को कहा जाता है स्थानीय स्वशासन। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय स्वशासन। केंद्र सरकार के अंतर्गत देश का जो कमांड होता है ना वो किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री,
दूसरा आता है राज्य सरकार, इसमें राज्य का जो कमांड होता है वो किसी व्यक्ति के हाथ में होता है, जैसे आते हैं मुख्यमंत्री। और तीसरा स्थानीय स्वशासन, स्थानीय स्वशासन में क्या होता है, किसी भी व्यक्ति को इलेक्शन में कोई भी खड़ा हो जाता है, कभी मुखिया का वोट हो रहा है उसमें खड़ा हो गया, कभी वार्ड पार्षद के वोट में खड़ा हो गए, किसी भी चीज़ के वोट में खड़ा होकर के वोट जीत गए, स्थानीय क्षेत्र के हम शासन में व्यवस्था में शामिल हो गए। अगला जो पॉइंट्स आता है वो आता है विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता की भागीदारी, अलग अलग समुदाय में अलग अलग तरह से सत्ता की भागीदारी, जैसे जातीय समूह होते हैं, भाषाई समूह होते हैं, धार्मिक समूह होते हैं, क्षेत्रीय समूह होते हैं, लैंगिक समूह होते हैं, अलग अलग समूह के लोग ना अलग अलग तरीके से सत्ता में भागीदारी लेते हैं। जातीय समूह के कहते हैं हम अगर हिंदू हैं तो उसका एक अलग संगठन बना देता है, कोई कहता है धार्मिक समूह हम राम को मानते हैं तो राम का एक अलग संगठन बन गया, कोई क्षेत्रीय समूह हम उस क्षेत्र वाले हैं तो हमारा एक अलग संगठन होगा, हम पूर्वी हैं तो पूर्वी का एक संगठन, हम पश्चिमी हैं तो पश्चिमी का एक संगठन बन गया, तो ये चीज़ें होती है। अगला आता है दबाव समूह, दबाव समूह में क्या होता है ना, लोग अपने हित के लिए छोटा छोटा समूह बना लेते हैं, संगठन बना लेते हैं, जिसको दल कहा जाता है, उस जिसको दल कहा जाता है, और दल की सहायता से क्या करते हैं, छोटा छोटा काम करते हैं, जैसे कोई फुटबॉल क्लब बना दिया, कोई और भी बहुत सारी चीज़ें, कोई फुटबॉल क्लब बना दिया, उसके बाद कोई गांव मोहल्ला में अपना समिति बना लिया, कोई जाति संगठन बना दिया, और इन सब चीज़ों के तहत ना कार्य करना शुरू करता है। अब ये कार्य करता है ना, ये कार्य कभी कभी सरकार के कार्य को भी प्रभावित कर देता है, उसके कार्य में बाधा उत्पन्न करने लगता है, जब ये सरकार के कार्य को प्रभावित करता है तब इसको हम कहते हैं दबाव समूह। तो यहाँ तक दोस्तों आशा करते हैं कि आपको सारी की सारी चीज़ें समझ में आई होगी। मिलते हैं एक नए अगले वीडियो के साथ अगले दिन, फिलहाल के लिए गुड बाय, थैंक यू।